हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। दिस इज निकमैन राइट हैंड, यू आर वाचिंग ओएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की वीडियो हम स्पेशली लेके आए हैं वीडियो इंटरव्यूज के लिए। कुछ टाइम से एक्चुअली हमें क्वेरीज आ रही हैं कि आप एक वीडियो लाएं जो बेस्ड हो वीडियो इंटरव्यूज पर, तो ये वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए। क्यों वीडियो इंटरव्यूज आपका लिया क्यों जाता है, पहले इस पर बात करते हैं। दोस्तों वीडियो इंटरव्यूज दो सिचुएशंस में लिया जाता है। एक सिचुएशन होती है एज योर फर्स्ट राउंड, एक सिचुएशन होती है एज योर फाइनल राउंड। दोनों पे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट राउंड के तौर पे दोस्तों इसलिए लिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पास जितने जॉब्स हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिल्टर आउट करने के लिए कि वो इजी फिल्ट्रेशन कर सके, इसलिए वो वीडियो के माध्यम को चूज़ करती है, वीडियो के मीडियम को चूज़ करती है, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी आसान होता है फिजिकली बात करने से। मतलब अगर वो फेस टू फेस इंटरव्यू कराएंगी फिल्टर आउट करने के लिए, तो उनको मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए वो वीडियोस इंटरव्यूज का सहारा लेते हैं। एज योर फाइनल राउंड में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो कंपनी अलग है, क्लाइंट जहाँ पे आपने काम करना है क्लाइंट कंपनी अलग है, तो कई बार क्लाइंट भी कहता है कि मुझे भी इंटरव्यू लेना है, तो क्या होता है वो आपका वीडियो इंटरव्यू लेता है। दोनों ही केसेस में आपको कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन्हीं पे हम बात करने आए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS Study Circle को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिल सके। टिप नंबर फर्स्ट ये है दोस्तों कि जिस भी टेक्नोलॉजी से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वीडियो इंटरव्यू अपना, उसको टेस्ट जरूर करें इंटरव्यू से पहले। अब काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें ये पूछा है कि क्या हम मोबाइल पर दे सकते हैं वीडियो इंटरव्यू, कि स्काइप तो मोबाइल पर भी है, मान लीजिए हमारा स्काइप पे है तो हम स्काइप पे दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है दोस्तों कि आपको अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल पे आपको वीडियो इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो आप डेफिनेटली मोबाइल पे दें, क्योंकि नहीं देने से डेफिनेटली अच्छा है। मोबाइल पे क्यों नहीं देना चाहिए, ये हमने क्यों कहा, इस पर पहले बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि मोबाइल एक अच्छा डिवाइस नहीं है, आप नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक प्रॉपर स्टैंड देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ तो मोबाइल को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे वो हिले नहीं। अगर आप हाथ में लेके वीडियो इंटरव्यू देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होता है दोस्तों, जो ह्यूमन हैंड्स हैं वो हल्के हल्के शेक करते हैं, तो शेकिंग इफेक्ट आता है वीडियो इंटरव्यू में। इसलिए हम मना कर रहे हैं कि मोबाइल में मत दीजिए। अगर आप मोबाइल में दे रहे हैं तो मोबाइल को एक जगह पर स्टैंड करके रखें, तो वो आप उसमें भी दे सकते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों आपको इस्तेमाल करना होगा माइक या ईयरफोन्स, ये एक रिकमेंडेबल चीज़ है। आपको जो मोबाइल का सिस्टम माइक होता है, डिफ़ॉल्ट माइक होता है, उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या है साउंड अच्छी नहीं आती। अगर आप पीसी वगैरह में दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, मोबाइल में भी आप दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। टेस्ट योर टेक्नोलॉजी से मतलब है दोस्तों, आप उसको टेस्ट करके देखिए। एक आप डेमो इंटरव्यू तरीके से अपने फ्रेंड से, या कि आपको कोई ब्रदर है तो उनके मोबाइल में भी वही एप्लीकेशन डालें और चेक करें कि कैसे सॉफ्टवेयर चल रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा पता भी चल जाए कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, आपकी वॉइस प्रॉपर जा रही है नहीं जा रही है, दूसरे हैंड में कितनी क्लियर वॉइस आ रही है, आप माइक आप कहाँ पे लगा रहे हैं तो आपकी वॉइस कैसे जा रही है। बाय डिफॉल्ट ये देखा जाता है दोस्तों कि जो माइक है, जैसा कि हमने लगाया है, थोड़ा सा माउस से नीचे करके लगाए। अगर आप बिल्कुल इसको यहाँ करके रखेंगे तो एक तो अच्छा नहीं लगेगा देखने वाले को, और दूसरा आपकी वॉइस में जो हल्की सी सांस की भी आवाज़ होती है वो भी माइक कैच करेगा। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि अपने जो टेक्नोलॉजी है जिस पर भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको जरूर टेस्ट करें इंटरव्यू देने से पहले। ऐसा ना हो कि आपने माइक कनेक्ट किया और माइक चल नहीं रहा, क्योंकि माइक सही भी है, अगर वो माइक आपने दूसरे पीसी में चेक किया है तो ज़रूरी नहीं है उस पीसी में वो चलेगा, क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है पीसी में कभी कभी, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों, चार्ज करना ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल में दे रहे हैं, मोबाइल को लैपटॉप में देख रहे हैं, लैपटॉप को, तो ये देखिए कि इंटरव्यू के टाइम से पहले वो अप्रोक्सीमेटली 80% चार्ज हो। ये एक बेटर पोजीशन होती है, बेटर कंडीशन होती है वीडियो इंटरव्यू देने के लिए। अब अगली टिप है दोस्तों आपकी ड्रेस को लेके। काफ़ी कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं वीडियो इंटरव्यू है तो अपर पोर्शन ही वीडियो में आएगा, तो वो ऊपर तो कोट पहनते हैं लेकिन उसकी मैचिंग पैंट वो नीचे नहीं पहनते, नीचे वो कई बार पजामा भी पहन लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसके बैड इम्पैक्ट्स दो हैं। पहला है दोस्तों कि आपको एक प्रोफेशनल फील नहीं आएगा कि आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन का एक माइंडसेट होता है, एक ह्यूमन का बिहेवियर है, उसको फील होता है कि वो कैसे बैठा हुआ है। आपको ये फील नहीं आएगा कि आप प्रोफेशनली इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपकी बातों से उसको पता चल जाएगा इंटरव्यूअर को। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मान लीजिए बीच में कोई डिस्ट्रक्शन आता है जिसके लिए आपको उठना पड़ा, तो ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट जाएगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि आपने मैचिंग कपड़े नहीं पहने हुए। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी वॉइस आ जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
तो आपको उठना पड़ता है 2 मिनट के लिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने कोई डॉग पेट है आपके पास, वो पीछे आ गया, तो आपको उठना पड़ गया उसको थोड़ा सा बाहर करने के लिए, या कोई बेबी है, ऐसी कई बातें हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा एक ही अटायर लेना है, एक प्रोफेशनल लुक लेना है। अगली बात करते हैं दोस्तों कि अगली टिप आज की वीडियो की क्या है। इस टिप में दोस्तों आपने क्या करना है कि अगर आप मोबाइल में दे रहे हैं या पीसी में, एप्लीकेशन जो बाकी एप्लीकेशन हैं, अदर एप्लीकेशन हैं, उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ही आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपने क्या करना है, बाकी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन ऑफ कर रहे हैं, नहीं तो कई बार पॉपअप आता जाता है, पॉपअप आने में आप सोचेंगे कि वो तो आपको दिख रहा है, सामने वाले को नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी जो वॉइस है पॉपअप की, वो 1-2 सेकंड के लिए इंटरप्ट करती है इंटरव्यूअर को, क्योंकि वो वॉइस 1-2 सेकंड के लिए जब पॉपअप आता है तो रुक जाती है, आपकी वॉइस उस टाइम नहीं जाती है। तो ये इंटरप्शन ना हो, इसलिए आपको ये काम करना ज़रूरी है। अब अगली टिप ये है दोस्तों कि काफ़ी बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू में तो वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, लेकिन वीडियो इंटरव्यू में एक मिस्टेक करते हैं, क्या वो कैमरे के लेंस की तरफ नहीं देखते। जो भी फ़ोन का कैमरा है या लैपटॉप का कैमरा है, वो उसके लेंस की तरफ नहीं देखते, वो क्या करते हैं, स्क्रीन की तरफ देखते हैं। अब ये मिस्टेक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, ये काफ़ी ऐसा लगता है जैसे आप कहीं और देख रहे हैं। जैसे इस टाइम दोस्तों मैं देख रहा हूँ कैमरे के लेंस की तरफ, तो एक तरीके से आई कॉन्टैक्ट मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अगर मैं देखिए आपको देख के दिखाता हूँ, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो एक बैड इम्पैक्ट जाएगा, ऐसा लगता है कि आप कहीं और देख रहे हैं, तो आपको कैमरे के लेंस में फोकस रखना है। अगली और लास्ट टिप दोस्तों इस वीडियो की ये है कि ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा एक रूम होना चाहिए जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। कभी कभार हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप 100% डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं यहाँ पे, लेकिन 90% आपको चांस होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ये देखने में आया है कि कैंडिडेट्स ऐसे रूम में बैठते हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक ब्लैंक खाली रूम होता है, कई बार वहाँ पे फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं होता, उससे ये होता है कि साउंड में इको आ जाता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा कुछ चेयर वगैरह वहाँ पे रखिए, कुछ कंफर्टर अगर आपके पास है, कुछ गद्दे वगैरह हैं वो रख दीजिए आप वहाँ पे, तो उसमें इको जो है आपका एक रिड्यूस हो जाएगा, इको माइक में कैच नहीं करेगा। और इसीलिए हमने कहा था कि आप माइक यूज़ करें, क्योंकि जो डिफॉल्ट माइक होता है उसमें ज़्यादा इको आता है। जैसे अभी दोस्तों मैं एक माइक के थ्रू बात कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर यही मैं डिफॉल्ट कैमरे के माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करूँ तो जो डिस्टेंस है वो इको वो कैच करेगा। अब ये माइक और मेरे माउथ के बीच में डिस्टेंस कम है, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस चीज़ के लिए आपको माइक परचेज करना है, या आप ईयरफोन से भी काम चला सकते हैं, ईयरफोन से भी अच्छा काम आप चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की वीडियो इंटरव्यू टिप्स के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली लिखें हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।